Hey everyone, this is शालू and welcome back to my channel सालूस किचन एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज का वीडियो है हाउ टू फेस सेव विथ अ रेजर। तो आज मैं आप लोगों को फेस सेव करने का डेमो और उसका रिजल्ट दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं फेस सेव करने के लिए ये रेज़र यूज़ कर रही हूँ। इस रेज़र का नाम है टिंकल आईब्रो रेज़र, जिसे मैंने लोकल मार्केट से लिया था। इसका प्राइस अराउंड 75 या 80 रुपीज़ है। इसे आप अपने आईब्रोज़, अपर लिप, नेक या पूरे फेस में भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके अननेसेसरी हेयर है। इसे मैं दूसरी बार यूज़ कर रही हूँ। मैंने इससे पहले 1 मंथ पहले इसे पहली बार यूज़ किया था। इसे यूज़ करने से पहले मैंने बहुत सोचा और बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे कि इसे यूज़ करना अच्छा होता है कि नहीं होता है, पर मैंने इसे जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो मुझे ये अच्छा लगा और ये अच्छा वर्क किया। इससे पहले भी मैंने अपना फेस रिमूव करवाया है, उसके लिए मैंने वैक्स यूज़ किया था, लेकिन वैक्स करने से मेरे फेस बर्न हो गया था, तो मैंने फिर वो दोबारा ट्राई नहीं किया। तो फिर मैं सोची कि मैं क्या करूँ, क्या यूज़ करूँ अपने फेस सेव करने के लिए। तब मुझे ये फेस रेज़र का ऑप्शन नज़र आया और मैं जब इसे यूज़ की तो ये फिर मुझे सही लगा कि ये यूज़ करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसे कैसे यूज़ करते हैं और फिर इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। तो इसे यूज़ करने से पहले आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। उसके बाद आप जो भी टोनर लगाते हैं या मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उसको अपने फेस में अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद फिर इसे आपको यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने से पहले आपको इसके मैं दिखाती हूँ। ये इस तरीके का रेज़र है, इसमें एक सेफ्टी कैप होता है। इस कैप को आपको ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप इसे अपने फेस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूज़ करें और इसे आपको बहुत हार्ड प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली अपने फेस में यूज़ करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसे यूज़ करने से पहले मैं अपनी बिंदी को हटा लेती हूँ। मैं सबसे पहले इसे अपने फोरहेड से यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
मैंने अपने फोरहेड में और दोनों चिक्स के दोनों तरफ हेयर रिमूव कर लिया है। मेरे फेस में बहुत ज़्यादा ही हेयर ग्रोथ था। अभी देखिए कितना क्लीन लग रहा है। तो अब चलिए अपर लिप की बारी है, अब अपर लिप भी कर लेते हैं। अब मेरे अपर लिप भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब लोअर लिप की बारी। तो एवरीवन, मेरा फेस सेव कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ गया है। मेरे फेस में कितने हेयर थे रिमूव होने के बाद, ये कितने स्मूथ और क्लीन नज़र आ रहा है। इसे करना बहुत ही इजी है। इसे करने में मुझे बस 5 से 10 मिनट का समय लगा है लगता है और एकदम ये इजी तरीका है अपने फेस हेयर रिमूव करने के लिए। इसे आप महीने में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको बार बार पार्लर भी जाने का झंझट नहीं है और इसे आप इसी तरह स्लोली स्लोली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद ध्यान से इसके सेफ्टी कैप को फिर से इसमें लगाकर इस तरीके से लगाकर इसे फिर से रख दीजिए। इसे आप मैनी टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे दूसरी बार यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं और भी यूज़ कर सकती हूँ। इसे आप मैनी टाइम्स यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद इसे फिर आप डिस्पोज कर दें। मुझे तो ये बिल्कुल ही सही तरीका लगा और ये सस्ता और इजी भी है इसे यूज़ करना। तो मुझे तो ये सही लगा। आप लोग भी अगर इसे यूज़ कर चुके हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा यूज़ करने के बाद। और हाँ, फेस सेव करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र या क्रीम ज़रूर लगा ले। तो मैं यहाँ पर पॉन्ड्स का ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने जा रही हूँ। और हाँ, बहुतों को ये डर होता है कि इसे यूज़ करने के बाद आपके जो हेयर है वो नुकीले आएंगे और मुझे भी ये डर था। लेकिन मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो उसके बाद जो मेरे ग्रोथ आई वो पहले जैसा ही था। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। तो आप लोग इसे बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा फेस रेजर का डेमो और रिज़ल्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है shalukumar715। तो मैं इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहूँगी। मैं एक कुकिंग वीडियो डालती हूँ और एक लाइफस्टाइल वीडियो डालती हूँ। इसी तरह आपको मेरे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहे। तो मिलती हूँ मैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।